वो काले अंधेरे में रहते हैं, जीवों का एक झुंड जो साधारण जीवों से अलग दिखता है। अजीब दिखने वाले जानवरों के इस झुंड ने सदियों से इंसानों में एक डर पैदा किया, वो मूशी कहलाए गए। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम मूशी से गिंकू को देखते हैं जो कहीं बर्फीली जगह से जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें एक बच्चा दिखता है जो अपने हाथों से अपने कानों को बंद करा हुआ होता है और तभी उसके सर पर 4 सींग निकल जाते हैं। वो बर्फीली रात जब हर जगह से आवाजें गायब हो जाती है, तुम अपने कान बंद कर लेना वरना वो तुम्हारे कान खा जाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया मुशी सिंह कुसान। मेरा नाम शिरा सावा है और मैं इस गांव की सरपंच हूँ। एक शांत गांव जहाँ हवा की भी आवाज़ नहीं आती है, खास करके बर्फीली रात में तो कुछ भी आवाज़ नहीं आते। लोगों के बात करने की भी आवाज़ गायब हो जाते हैं और इस गांव में कुछ लोगों को कान की बीमारी हो जाती है। क्या दोनों कान खराब हो जाते हैं? नहीं, सभी लोगों के सिर्फ एक ही कान खराब हुए हैं और डॉक्टर्स भी इनका इलाज नहीं ढूंढ पाए। तो अब गिंकू उसके कान के अंदर मूशी को देखता है। उस मूशी का नाम उन है। ये उन आवाजों को खाते हैं। वैसे उन जंगलों में रहते हैं लेकिन बर्फ की वजह से ये गांव की तरफ आ गए हैं। ओ, ये रहे, इन्होंने यहाँ पर अपना घर बना लिया है। ये उन हमारे कानों में रहते हैं और आने वाले हर आवाजों को खा जाता है लेकिन इससे कान खराब नहीं होता है। और तभी शिरासावा गिंकू को गर्म पानी देती है और फिर वो उसमें नमक डालकर उस आदमी के कान में डाल देता है, जिससे उसके कान में जो उन था वो बाहर निकल कर गायब हो जाता है और अब उस आदमी को सब सुनाई दे रहा था। तो अब गिंकू और शिरासावा जा रहे होते हैं, तभी शिरासावा बोलती है कि एक और है जिसे ये बीमारी दोनों कान में है और वो मेरा पोता है, लेकिन मैंने ये बात गांव वालों को नहीं बताई। ये है माहो, ये पिछली सर्दियों से ऐसा हो गया है, इसके सर पर सींग आ गए और तब से इसको कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन इसे ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। ये जरूर आ का काम है, वो मूशी उनके साथ रहते हैं और उनकी वजह से जो शांति पैदा होती है आ उसे भी खा जाते हैं। जो इंसान आ का शिकार है उन्हें आसपास की आवाजें भी सुनाई नहीं देती क्योंकि आ हर आवाज को खत्म कर देता है, लेकिन आ की संख्या बहुत कम है। सिर्फ एक ही इंसान इस मूशी का शिकार हुआ था। हम आ को कान से नहीं निकाल सकते हैं। अगले साल की सर्दियों के अंत में दिन हो या चाहे रात वो शोर कम नहीं हुआ, उसका शरीर बहुत थक गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब हम देखते हैं कि माओ और गिंकू एक साथ बैठे हुए होते हैं और माओ को गिंकू की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जो उसे आवाज़ आती थी वो बंद हो गई थी। जब आप आए थे तब से वो आवाज़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ओ, उसके लिए सॉरी, मैं मूशी को अपनी तरफ खींचता हूँ। इस स्मोक से मैंने उन्हें भगा दिया है। जो मूशी तुम्हारे कान में है वो शांति को भी खत्म कर देता है, इसकी वजह से तुम्हारे सींग निकल गए, लेकिन तुम्हारे कान में कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हारे ये सींग कैसे आए? पिछली सर्दियों में जब मेरी माँ मरी मैंने अपने कान बंद कर दिए थे, वो भी अपने कान बंद कर देती थी और तब से मेरे सींग निकल गए। मेरी माँ को भी मेरी जैसी बीमारी थी और उनके माथे पर भी सींग थे। मेरी बेटी जब मरने वाली थी तो मुझे बहुत दया आई उस पर और जैसा कि आपने कहा कि सर्दियों के अंत में वो इस दुनिया से चल बसी, आखिरी वक्त तक उसे परेशानी झेलनी पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक दिन मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मुझे अब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे उस आवाज़ की याद आ रही थी। इसका मतलब मरने से पहले वो कुछ सुन नहीं सकती थी। तो अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गिंकू छत पर बैठा हुआ होता है और तभी माओ घर से निकल कर कहीं बाहर चला जाता है और गिंकू उसे देख लेता है लेकिन उसे रोकता नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ काफी ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी और माओ भी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए गिंकू उसे ढूंढने निकल जाता है। तो अब गिंकू को माओ मिल जाता है। फिर गिंकू देखता है कि वहाँ बहुत सारे मूशी है और वो गिंकू के पास आ जाते हैं। तुम में से आ कौन है? हाँ, ये रहा। तभी आ उसके कान के अंदर चले जाता है। माओ, अपने हाथ मेरे कानों पर रखो जैसे तुम्हारी माँ ने रखा था। अब माओ उसके कान पर अपने हाथ रखता है और तभी वो मूशी उसके कान में पिघल जाता है। आपकी बेटी मरते समय शोर को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे लगता है कि आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी। क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे भूकंप जैसा कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। वो आपके हाथ के मसल्स की आवाज है, इसका मतलब इंसान जो आवाज जिंदा रहते समय निकालते हैं वही आ की कमजोरी है।
आग को किसी बॉडी के अंदर रहने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए वो बॉडी की आवाज को मिटाने की कोशिश करता है। या तो इंसान कमजोर होकर मर जाता है या तो आग पिघल जाता है। और मुझे लगता है कि आपकी बेटी को ये बात पता चल गई थी, लेकिन तब तक वो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई थी और वो कुछ नहीं कर सकी। और अब माओ अपने कानों में से उस मूसी को पिघला देता है और उसके सींग भी निकल जाते हैं। तो अब अगली सुबह गिंकू वहाँ से जाने लगता है और वो अपने साथ वो सींग भी ले लेता है। फिर गिंकू माओ को दो छोटे वाले सींग दे देता है और वहाँ से चले जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एपिसोड 4 में। तब तक के लिए सायोनारा।